दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोग्राफी जानेंगे रितु फोगट की, जो कि एक एमएमए एथलीट है और एक पहलवान भी रह चुकी है। ये फेमस पहलवान गीता फोगट और बबीता फोगट की छोटी बहन है, जिनके ऊपर 2016 में आमिर खान की फिल्म दंगल आई थी। तो आइए जानते हैं इनकी जिंदगी की पूरी कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पे इसी टाइप्स की इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज अपलोड करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रितु फोगट का जन्म 2 मई 1994 को हरियाणा के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने कुश्ती की शिक्षा अपने पिताजी महावीर सिंह फोगट से प्राप्त की, जो कि खुद एक पहलवान रह चुके हैं और सीनियर ओलंपिक के कोच भी हैं। रितु ने महज 8 साल की एज से ही पहलवानी करना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। पहले तो इस चीज से काफी दिक्कत हुई, फिर उठने की आदत सी हो गई। रितु ने 10 पास करने के बाद पहलवानी में ज्यादा ध्यान लगाने के चलते अपनी पढ़ाई छोड़ दी। रितु ने अपने कैरियर की स्टार्ट 2011 में एज ए रेसलर 48 केजी कैटेगरी से की। इन्होंने 2014 में फीरा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। 2016 में रितु ने एनुअल नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। 2016 में ही उन्होंने कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और वहां उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, और ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि दिसंबर 2016 में प्रो रेसलिंग लीग के ऑक्शन में रितु फोगट सबसे ज्यादा महंगी बिकी। उन्हें जयपुर निंजास के फ्रेंचाइजी ने 36 लाख में खरीदा। नवंबर 2017 को वर्ल्ड अंडर 23 रेसलिंग में रितु ने सिल्वर मेडल जीता, और ये जीत कर पहली इंडियन बन गई जिन्होंने अंडर 23 रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता हो। 2019 में उन्होंने रेसलिंग छोड़ने की सोची और उन्होंने वन चैंपियनशिप को साइन किया, और फिर वो उसकी ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर चली गई। 16 नवंबर 2019 को उन्होंने अपना एमएमए डेब्यू किया वन चैंपियनशिप से। उन्होंने अपना पहला मैच कैंडी टियोंग के साथ खेला, और अभी इसी साल 5 दिसंबर 2020 को रितु ने चौथी बार एमएमए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों, ये थी रितु फोगट की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।